गुड आफ्टरनून ऑल एस्पिरेंट, वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक है आपकी मेंस आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा जब भी हमको मेंस आंसर राइटिंग करनी होती है तो हमको जो कीवर्ड दिया होता है क्वेश्चन के आखिरी में उसी के रिलेवेंस में आंसर लिखना होता है। आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि उसमें डिफाइन लिखा रहता है, डिस्क्राइब लिखा रहता है, डिस्कस लिखा रहता है, एक्सप्लेन लिखा रहता है, एनालाइज लिखा रहता है। ये सब चीज़ें जो है लिखी रहती हैं और हमको उनको जो है डिस्कस करना होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है जेनेसिस आईएएस उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी रिलेवेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपने भी मेंस के क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है डिफाइन। तो आपको जब भी बोला गया है कि डिफाइन कीजिए किसी भी क्वेश्चन को तो आपको उसमें क्या करना है, तो आपको उसमें यहाँ पे देखिए बताया कि उसमें आपको प्रिसाइज टर्म्स के बारे में लिखना होगा। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम जो भी बताई गई है उसकी डेफिनेशन देनी होगी और उसका जो डिफरेंट टाइप के इंटरप्रिटेशन होंगे वो आपको बताने होंगे। सपोज अगर मैं आपसे बात करूं साइक्लोन से रिलेटेड, और साइक्लोन में बोल दिया है कि साइक्लोन आर वेरी फ्रिक्वेंट इन द बे ऑफ बंगाल, डिफाइन। ठीक है, तो उसमें आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो उसमें आप डिफाइन करोगे कि जो साइक्लोन की टर्म्स को डिफाइन करोगे और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं साइक्लोन्स के। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि साइक्लोन में जो भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या हो जाते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन होता है आपका, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ठीक है, ये सब आपको लिखना रहता है। फिर आ जाते हैं हम लोग डिस्क्राइब पे। डिस्क्राइब क्या रहता है कि डिस्क्राइब में रहता है आपको आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देनी होती है एंड वाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज हैपनिंग। ठीक है, फिर आ जाता है आपका डिस्कस। डिस्कस में क्या रहता है कि आपको जो है एक डिबेट आपको स्टार्ट करनी होती है, आपको अपना ओपिनियन देना रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू में। ठीक है, तो वो उस तरीके से आपको डिस्कस करना होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग एक्सप्लेन पे। जब भी आपको एक्सप्लेन के बारे में बोला गया होगा कीवर्ड में तो आपको जो है जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको जो भी की टर्म्स होंगी कीवर्ड्स होंगे उनको एक्सप्लेन करना होगा। जनरली एक्सप्लेन टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी पर्टिकुलर फिनोमेना से रिलेटेड आते हैं। जैसे वो बोल देगा कि अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस में कि मतलब बोल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा उसमें जो है सेंट्रल को ज़्यादा पावर क्यों दी गई है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो, तो वो पूछ देगा। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एलोबरेट करें। एलोबरेट में क्या करना होता है, आपको जो भी टॉपिक दिया रहता है उस पर एक बिल्डअप बनाना होता है, उसको और इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, उस तरीके से आप एलोबरेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में क्या रहता है कि आपको एक एक्सप्लेनेशन ही करना होता है बट डेफिनेट एग्जाम्पल के थ्रू और अप्रोप्रिएट आपको वेटेज देना होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो उसमें कोर थीम होती है उसका, जो कंटेक्स्ट रहता है। अब जो डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, डिमॉन्स्ट्रेट आपका रहता है कि आपको हर आर्ग्यूमेंट को, जनरली जो हम लोग आंसर लिखते हैं उसमें हर आर्ग्यूमेंट को जो है हमको जो है नहीं सब्सटेंशिएट करना होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन कीवर्ड में डिमॉन्स्ट्रेट लिखा गया है तो आपको जो है आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना होगा। फिर जब बात आ जाती है एनालाइज की, तो एनालाइज में क्या करना होता है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, आपको पॉजिटिव भी पॉइंट भी देना होता है, नेगेटिव भी पॉइंट भी देना होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हम आंसर चेक करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जनरली जो है नेगेटिव क्रिटिसाइजम ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिवली भी उसमें व्यू पॉइंट आने चाहिए और लास्ट में आपको जो है वे फॉरवर्ड देना होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम असेस में। असेस में आपको वेटेज देना होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर फिनोमेना है तो उसको किस तरीके से असेस करा जा सकता है। तो असेस में कैसे रहेगा, असेस में आपका ऐसे रहेगा जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, सपोज ये आ गया, उसने बोल दिया कि मतलब जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो है मतलब अभी एक अच्छी उसमें नहीं है, शेप में नहीं है, तो उसको असेस करो। तो आप उसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट बताओगे कि हमारी जो इकोनॉमी अभी रिकवर कर रही है कोरोना से। ठीक है, तो वो सब आप उसमें बताओगे। फिर आप उसमें क्या करोगे, फिर कंपैरिजन का एक पार्ट आता है। कंपैरिजन में क्या रहेगा, एक फिनोमेना को जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो GS2S में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करो, तो आपको कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज भी देखनी है और डिफरेंसेस भी देखने हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। फिर एक आ जाता है कि आपका जो कॉन्ट्रास्ट,
कंट्रास्ट में आपका क्या रहता है कि आपको जो है कंपेयर तो करना है, सिमिलर टू कंपेयर करना है, बट लेकिन इसमें क्या है कि कंट्रास्ट में आपको जो डिसिमिलैरिटीज होती हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली खासकर जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर आ जाता है आपका जो एग्जामिन, एग्जामिन में क्या रहता है कि आपको डिटेल को क्लोजली लुक करना होता है और जो इनहेरेंट कॉजेज होते हैं उसको आपको दिखाना होता है। सपोज जैसे क्वेश्चन आया था कि मतलब इंडिया जो फ्रांस है वो नया रशिया हो सकता है, नहीं तो आपको उसमें इनहेरेंट कॉज क्या है कि ये जो डिप्लोमेसी यूएसए करता है उसी के साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको वो लिखना होता है। फिर आया था कमेंट, कमेंट आपका जो सिंपल कुछ नहीं होता है, मेन पॉइंट जो रहते हैं और उस पर अपना ओपिनियन देना होता है, ठीक है, और अपने भी सब्सटेंशिएट करना होता है। अब आ जाता है कि क्रिटिकली इवेल्यूएट पे, जैसे क्रिटिकली इवेल्यूएट में क्या रहता है कि ये सिंपली एग्जामिन क्रिटिकली की तरह होता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप सेम आंसर लिख सकते हैं, बस आपको ये रहता है कि आपके जो वैल्यूएशन पॉइंट्स होते हैं उनको जो है सब्सटेंशिएशन जो भी होगा उसमें आप क्या रखोगे, सिमिलैरिटी भी लिखोगे और जो है आपका कंट्रडिक्शंस भी लिखोगे, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन आपको क्या देना होगा, थोड़ा इसमें स्टैंडर्डाइज कंक्लूजन देना होता है वे फॉरवर्ड की, इसमें दो तीन लाइन लिखनी होती है, ठीक है। तो ये आपके जो सारे कीवर्ड्स थे ये मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसमें बोल दे, अब दो रह गए शायद में, हाँ बीच में, एक एक गिवन अकाउंट और एक टू वर्क्स रिटर्न। तो इसमें जैसे ये रहता है कि आपको अकाउंट जब भी देना होगा तो उसका जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा, ठीक है, और इसमें जब भी टू व्हाट एक्सटेंट तक याद रखोगे तो उसमें रहेगा कि अपना कि मतलब हमको उसको वे करना होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कि ये स्टेटमेंट कितनी लेजिटिमेट है। अगर बोल दे कि इंडिया में जो है पुअर्टी जो है बहुत ज़्यादा है तो आपको वे करना होता है कि पुअर्टी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसमें अपने पॉइंट्स वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा था आज की जो पीडीएफ है वो जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, और आप जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर पे कॉल करके जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करे गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी मेन्स आंसर राइटिंग सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।